हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग एरिया एंड पेरीमीटर से एक क्वेश्चन देखेंगे। तो दरअसल ये क्वेश्चन एरिया का है, जहाँ पे कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है और सर्कल के बाद स्क्वायर में जो भी जगह बच रहा है वो शेडेड रीजन है, यानी कि ये ब्लैक कलर से जो मैंने यहाँ पर इसे रखा है, इसका एरिया जो है पूछा गया है इस क्वेश्चन में। फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और स्क्वायर का जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। साइड ऑफ स्क्वायर यहां पर 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सर्कल का जो डायमीटर होगा, यानी कि अगर सेंटर से ले जाते हुए अगर एक लाइन हम लोग मिलाते हैं तो वो स्क्वायर के ही साइड के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर एज डायमीटर ऑफ सर्कल जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 14 बाय 2, यानी कि डायमीटर बाय 2, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सर्कल का रेडियस कैलकुलेट कर लिया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम लोगों को एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं जैसा कि स्क्वायर का साइड 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 का स्क्वायर माइनस पाई यानी कि 22/7, और रेडियस जो है सर्कल का 7 सेंटीमीटर आ चुका है। तो 7 × 7 कैंसिल, 14 का स्क्वायर 196 और 22 × 7 यानी कि 154, दोनों को जब माइनस कर लेंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।